वहीं लेह से दिल्ली तक पर्यावरण को बचाने के लिए सोनम वांगचुक और उनके साथ 150 सदस्य पदयात्रा करते हुए नालागढ़ पहुंचे हैं। वहीं लेह से दिल्ली तक पर्यावरण की सुरक्षा, हिमालय को बचाने की मुहिम को लेकर ये पदयात्रा हो रही है और पदयात्रा करते करते हिमाचल पंजाब के लोगों से भी अपील की गई है कि पर्यावरण को बचाने में अपना योगदान दें। नमस्कार। तो मेरा तो जीवन पूरा ही शिक्षा और पर्यावरण इसी पे बीता है। मेरे हर शोध या आविष्कार भी पर्यावरण को बेहतर करने के लिए, शिक्षा को और सुलभ करने के लिए हुई हैं। तो इसलिए मुझे लद्दाख की और फिर पूरे हिमालय की चिंता हमेशा ही रही है। तो हाल के सालों में जो लद्दाख की एपेक्स बॉडी है, उन्होंने लद्दाख में जो संरक्षण सरकार ने वादे किए थे कि उन्हें 6 शेड्यूल में लिया जाएगा, जो कि भारतीय संविधान का एक हिस्सा है, जिसमें कि जनजातीय लोगों को, ट्राइबल जनजातीय क्षेत्रों में संरक्षण मिलता है, और संरक्षण भी उनको जिले के स्तर पर ऐसे काउंसिल्स जिसमें कि चुने हुए प्रतिनिधि नियम बना सकें, ऐसे प्रावधान हैं। और ये देने का वादा 19-20 के चुनावों में, घोषणा पत्रों में सबसे ऊपर के बिंदुओं में से दिया गया था। फिर आने वाले 1-2 सालों में थोड़ा बात बदल गया और वो पीछे हटने लगे सरकार। तो इसमें लोग बहुत चकित हैं लद्दाख में कि इतने बड़े वादे जो मिनट्स में हैं सरकार के, कैसे फिर पीछे हटे। तो जितना हम सबका समझ है कि उस पर बहुत से उद्योग और खनन के गुटों का प्रेशर, दबाव सरकार पर है कि लद्दाख को खुला रखा जाए, छूट दिया जाए, जो भी करे। तो ये लद्दाख के लोग नहीं चाहते, इसीलिए एपेक्स बॉडी ने ये मुहिम छेड़ा कि वो संरक्षण याद दिलाएं सरकार को, और दूसरी तरफ लोकतंत्र की बहाली लद्दाख में भी हो। मेरा नाम रिगजिन वांगदुस जी। वहाँ से लेह लद्दाख से चलते तो अभी आज से 25 दिन ही है, लेकिन मैं सिर्फ वहाँ से आज 18 तारीख से जोड़ा हूँ इस यात्रा में। तो आज 18 तारीख से मैं हिमाचल से जोड़ा हूँ, तो आज तक हम पैदल चले हैं। देखिए सर, रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा है। जैसे हिमाचल में है ना, जब से हम लद्दाख से निकला तब से यहाँ तक हिमाचल वालों ने हमें इतना स्वागत किया, पूछो मत। क्योंकि उनको भी फिक्र है, क्योंकि हमारा मुद्दा जो है ना वो अपने प्रभूषण को बचाना है, और लद्दाख की कुछ मांगे हैं जैसे हमारे लिए 6 शेड्यूल का दर्जा देना है। तो इसलिए लोगों को भी, अभी हिमाचल के लोगों को भी, शायद पंजाब के लोगों को भी मालूम हो जाएंगे कि अभी हम किस काम के लिए।